नमस्कार, स्वागत है आपका एमकेएन में। मैं हूं प्राची मेहरा और लेकर आई हूं आपके लिए एमकेएन की खास पेशकश, जिसमें आज हम बात करेंगे शहर में फैल रहे डेंगू के डंक की। भोपाल में दिन पर दिन डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में 6 मरीज मिले हैं। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए सर्वे और दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन दाऊ की पोल डेंगू के आंकड़े खोल रहे हैं। लगातार बढ़ रहे आंकड़ों से लोगों के मन में भी डेंगू को लेकर डर बैठ गया है। वहीं पब्लिक आरोप लगा रही है कि केवल वीआईपी इलाकों में ही छिड़काव किया जा रहा है, उनके गली मोहल्लों की कोई सुध नहीं ले रहा है। बारिश के कारण घरों के आसपास पानी जमा हो रहा है, जिससे बीमारी का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये है कि तमाम व्यवस्था करने के बावजूद भी डेंगू का खतरा बरकरार है। आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों के बारे में, जहां पर आपको बता दें प्रशासन द्वारा तमाम सुविधाएं देने की बात यहां पर की जा रही है, साथ ही तमाम व्यवस्थाएं जो डेंगू से बचाव के लिए की जानी चाहिए वो तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा रही है। प्रशासन द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं कि दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग किए जाने की बात भी यहां पर कही जा रही है, लेकिन डेंगू का जो खतरा है वो बरकरार है। डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और जो आंकड़े हैं मरीजों के वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन द्वारा उन पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए नवीन आनंद जोशी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नवीन जी, कोरोना का एक लंबा समय हमने झेला और अब मौसमी बीमारी के तौर पर डेंगू अपना डंक फैला रहा है। प्रशासन द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं कि सुविधाएं जनता को दी जा रही है, तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही है, लेकिन फिर भी डेंगू के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, डेंगू एक मौसमी बीमारी तो है ही, साथ ही ये जो फैलती है इसको गंदगी के कारण फैलती है। और सफाई की व्यवस्थाओं में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश का कोई भी शहर, केवल इंदौर को पहला नंबर मिला है, लेकिन बाकी शहरों की हम बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सफाई केवल उस वीआईपी क्षेत्र में होती है जहां पर अफसर या मंत्री या वीआईपी लोग रहा करते हैं। बाकी आम जनता के लिए सफाई की कोई ऐसी अलग से व्यवस्थाएं होती नहीं है। पीथा मशीन भी होती है, वो छिड़काव तो करती है, दिखता भी है, लेकिन वो केवल रस्मी होता है। तो ये मौसमी बीमारियां जो बढ़ रही हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही कारण है, और खासकर अब इसमें सियासत भी दिखी जा रही है। आप देखिए कि कांग्रेस इसको मुद्दा बना जरूर रही है, लेकिन उसने भी उस ढंग से पुरजोर तरीके से विरोध नहीं जताया है। और अब आप ये देखिए कि एक ट्वीट होता है, ट्वीट में कमलनाथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें असफल है, और उसको उनको मच्छर बना करके और नालायक बना करके उसका जवाब भाजपा की तरफ से आता है। तो उसमें सियासत ढूंढी जा रही है, बनिस्बत काम ये होना चाहिए कि उस बीमारी और उसके मूल पर अटैक हो वो न होते हुए, और उसको सियासत का हिस्सा बना लिया है हमारे राजनेताओं ने। जी नवीन जी, वहीं सवाल यही है कि मुद्दा यहाँ पर सामने डेंगू का उठाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है, लेकिन इन सबके बीच जो आम जनता है वो यहाँ पर पीस रही है। जी जी बिल्कुल, इसमें आम जनता चूंकि वो बेबस है ना, तो वो विपक्ष का वो भी हथियार बना लिया है। विपक्ष ने भी सोचा कि चलिए लंबे समय से कोई बड़ा मुद्दा हाथ नहीं लगा तो उन्होंने डेंगू जैसे विषय को उठाया है, लेकिन उसको भी उस तरीके से नहीं सीरियसली ले रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां, उसको उनकी हर, क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा है तो भाजपा के लोग या सत्ता में बैठे हुए अफसर वो उसे मजाक के तौर पर लेते हैं। और जनता जो इससे लगातार, आप देखिए हॉस्पिटल की हालत देखिए, सारे हॉस्पिटल्स पैक हो रहे हैं वहां पर, क्योंकि अभी एक बड़े पेंडेमिक से हम लोग गुजरे हैं,
जिसको कोरोना नाम था, उसके बाद ये डेंगू का अटैक, तो जनता तो पूरी तरह से टूटी हुई है। पहले बेरोजगारी का संकट भी आया, कोरोना ने लोगों के रोजगार छीन लिए, अब स्वास्थ्य पर इस तरह की दृष्टि आ गई है, कुदृष्टि कहें इसको प्रकृति की। उसके बाद यदि ये गंदगी तो कृत्रिम संकट है, यदि सरकार चाहे तो प्रत्येक इलाके में बराबर साफ सफाई पर ध्यान दे, मच्छरों का, क्योंकि मच्छरों से फैलता है, तो इस पर केवल कागजी या रस्मी तौर पर काम कर रही है सरकार, मैं समझता हूँ ये कहीं भी कहीं से कहीं उचित नहीं है। जी नवीन जी, वहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रशासन तमाम दावे कर रही है कि सभी व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही है, छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है, और जिन भी क्षेत्रों में लावा मिल रहा है वहां पर भी जो उचित कार्रवाई है वो की जा रही है, सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। सरकार भी तमाम दावे यहाँ पर कर रही है, सरकार का भी कहना है कि तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है, और डेंगू से लड़ने के लिए पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग भी यही कह रहा है कि वो तैयार है, लेकिन मामले यहाँ पर कम हो रहे हैं, मामले हर दिन सामने आ रहे हैं, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर जिम्मेदार व्यक्ति यही कह रहा है कि हम अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने परिणाम है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैं भी कह रहा हूं कि यदि दावे अच्छे हैं तो फिर ये पोल बाहर क्यों आ रही है, यदि सभी अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं तो अभी तक डेंगू का लार्वा नहीं मिलना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए था, इतने दिन हो गए हैं, लंबे समय से मरीज मिल रहे हैं, लेकिन यदि दोनों तरफ से, यदि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने गंदगी साफ कर दी है, कहीं कोई मच्छर नहीं है, उसका छिड़काव हो रहा है, टीफा मशीन बराबर है, तो फिर ये केसेस बढ़ क्यों रहे हैं, क्या कौन सा जादू होता है क्या? यदि प्रशासन मुस्तैद हो तो इस तरह के मामले नहीं आना चाहिए, फिर कहां कहीं न कहीं तो चूक है, उस चूकी के कारण तो ये सारा वातावरण इस तरह का बना हुआ है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जी नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं आपको बता दें कि डेंगू का जो डंक है वो लगातार शहर में बढ़ता जा रहा है, लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, खतरा लोगों में भी बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए दुर्गेश केसवानी प्रवक्ता है बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। दुर्गेश जी, कोरोना का एक लंबा समय हम लोगों ने झेला और अब सामने डेंगू आ रहा है, यानी कि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं जो कि चिंता का विषय बने हुए हैं, वहीं तमाम दावे यहां पर जिम्मेदारों द्वारा किए जा रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं जो डेंगू से बचाव के लिए की जानी चाहिए वो की जा रही है, लेकिन आखिरकार जो मामले हैं उन पर किसी भी तरीके से नियंत्रण नहीं देखा जा रहा है, कहां कमी रह रही है? प्राची जी, आपका कहना कि डेंगू और कोरोना से हम लोग सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, तो ये बिल्कुल सही है कि हम सब ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा और हम किस हद तक उसको रोकने में कामयाब भी हैं। आज भी देखिए दूसरे प्रदेशों में जो स्थिति है उसके बनस्पत मध्य प्रदेश की स्थिति काफी अच्छी है। ये जो प्रयास है वो संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयास है, जनता के प्रयास है, आपके हमारे प्रयास है, जिस वजह से हम कोरोना को परास्त कर पाए और कोरोना को उसको वहीं का वहीं रोक दिया। आप देखेंगे जो उस टाइम के कोरोना काल में जो टेस्ट चल रहे थे उनको भी हमने उनको छेड़ा नहीं है, वही के वही टेस्ट आज भी उसी संख्या में किया जा रहा है। जैसे हमने कोरोना में किल कोरोना अभियान के तहत हमने जमीन पर उतर के अनेकों डॉक्टर की टीम ने टोलियों ने उस चीज को काबू में किया, उसके हम लोग कार्य कर रहे हैं। रही बात आप डेंगू की जो बात कर रही हैं, आप निश्चित रूप से उसके लिए भी प्रिकॉशंस, उसके भी हर मेजर सरकार अपना रही है। जो लोग सिर्फ आरोप लगा रहे हैं उनके उनके समय में 2018 की बात कर रहा हूँ, 4997 केसेस थे उसके डेंगू के जो सबसे हाईएस्ट थे उनमें, और हमारी सरकार तो सर भी इन चीजों को वहां तक उस स्तर पर जाने के नहीं देना दिया जा रहा है। और जो 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 समस्त जितने भी शासकीय चिकित्सालय हैं डेंगू के संगीन मरीजों की शीघ्र जांच की और उपचार की व्यवस्था की गई है, डेंगू जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें रैपिड फीवर सर्वे और वेक्टर कंट्रोल गतिविधि को भी किया जा रहा है, प्रभावित क्षेत्रों में जो इसके वाहक होते हैं वो मच्छर होते हैं डेंगू के, और उसकी वृद्धि के स्रोतों को भी कमी लाने के हम प्रयास कर रहे हैं। 7 दिनों से अधिक का समय जहाँ पे पानी ठहरा है न होने का हेतु प्रयास किया जा रहा है, प्रजनन स्रोत मच्छर के लावा और शून्य होने तक प्रभावित
एंटी लार्वल गतिविधियां, उन सभी पे हम लोग नजर बनाए और उसके कार्य कर रहे हैं। जी दुर्गेश जी, वहीं इसके साथ ही जनता द्वारा ये भी बात कही जा रही है, जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि जो वीआईपी इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वहीं पर इस तरीके के ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं और जो तमाम व्यवस्थाएं उनके इलाकों में, उन्हें इस तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिख रही है। उनका कहना है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, यानी कि जो वीआईपी इलाके हैं वहाँ पर तमाम इंतजाम हो रहे हैं, लेकिन जो अन्य इलाके बच रहे हैं वहाँ पर इस तरीके की बातें सामने आ रही है। ये कहना गलत है। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके ही कार्य करती है। कहीं भेदभावपूर्ण कार्य कहीं नहीं किया जाएगा। 8 करोड़ जनता हमारे लिए एक समान है और जो भी इस तरह के आरोप लगा रहा है, मुझे लगता है उसको उन सब चीजों की जांच कर लेनी चाहिए कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, तो ऐसी कहीं कोई वो नहीं है। बाकी रहेगा जो इसके लिए जो इनको रोकने के मेजर्स हैं, पाइथ्रेग्राम 2% का द्वारा स्प्रे भी जो है उनके आसपास घरों में, जो डेंगू पॉजिटिव पाए गए उनके आसपास घरों के उसमें भी किया जा रहा है, और जो भी प्रिकॉशंस हैं प्राची जी उसको अपनाया जा रहा है। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वहीं डेंगू की हम आज बात कर रहे हैं, जहां पर शहर में आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 6 केस डेंगू के सामने आ चुके हैं। वहीं लगातार लोग जो हैं वो उनमें डेंगू का डर बना हुआ है। वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए शहरयार खान, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहरयार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है, धन्यवाद आपका। जी, डेंगू से लोग परेशान हो रहे हैं, लगातार डेंगू के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। वहीं जिम्मेदारों द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि लगातार जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बनाई जा रही है, फॉगिंग के अलावा दवाइयों का छिड़काव और तमाम जो भी व्यवस्थाएं डेंगू से बचाव के लिए की जानी चाहिए वो की जा रही है, लेकिन सामने आ रहा है कि लगातार जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी बीच जो जनता है वो परेशान है और डेंगू को लेकर लोगों में डर बना हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? जब केस लगाना पड़ रहे हैं तो ये हमारी निगम सरकार के द्वारा। वहीं शहरयार जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपको बता दें डेंगू की हम बात कर रहे हैं, उनसे फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। बीमारी का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हैं, दावे किए जा रहे हैं जिम्मेदारों द्वारा कि लगातार जो भी व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, और स्वास्थ्य विभाग का भी यही कहना है कि तमाम तैयार है पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग डेंगू से लड़ने के लिए, लेकिन जो खतरा है वो बना हुआ है। वहीं शहरयार जी से हमारा संपर्क एक बार फिर से हो रहा है। शहरयार जी, जो बीमारी है वो बनी हुई है, खतरा यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में भी ये जो अनदेखी करी थी, पूरे देश में जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसमें मध्य प्रदेश में जो संख्याएं बढ़ रही उसमें नाकामी साफ थी। हमारे स्वास्थ्य शहरयार जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही आपको बता दें लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 6 केस जो हैं कोरोना के यहाँ पर डेंगू के केस सामने आ चुके हैं, जिसके कारण जो लोगों में डेंगू को लेकर डर है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन दावे कर रहा है कि तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं और जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए
बचाव को लेकर वो की जा रही है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो मामले हैं, जो आंकड़े हैं डेंगू के, वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, डेंगू को अब विपक्ष यहां पर कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनाकर उठाने की यहां पर कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने जो परिणाम है वो पूरी तरीके से यहां पर चिंता का विषय है, क्योंकि जो बीमारी है उससे लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं यहां पर प्रशासन द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जिस भी जगह पर मरीज सामने आ रहे हैं डेंगू के, वहां पर लगातार छिड़काव किया जा रहा है दवाइयों का, इसके साथ ही फॉगिंग भी की जा रही है। लोग परेशान हैं, लोगों का कोरोना के साथ ही अब जो डेंगू को लेकर जो डर है वो लगातार बढ़ रहा है। मौसमी बीमारी के तौर पर यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन यहां पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तमाम पार्टियों के बीच चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच जनता पीस रही है और जनता के बीच कोरोना के साथ ही अब डेंगू का जो डंक है वो बरकरार है। वहीं इसके साथ ही प्रशासन द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की जा रही हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इन मामलों को लेकर आगे प्रशासन या सरकार क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।